माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, पर एक लेक्चर गेम्स का भी होना चाहिए। अबे यार भाई, तू कल आया नहीं, तुझे पता कल क्या हुआ था? भाई स्वच्छता भारत का कैंपेन हुआ था। ऊपर से भाई और सुन, साथ में खाने में क्या था? खाने में भाई स्टफ्ड कुलचा बटर वाला, साथ में छोले थे। भाई तेरे भाई क्या ढूंढने उड़ाए, कभी इधर कभी उधर, भाई तू सोच नहीं सकता। ऊपर से भाई सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हुआ था नेशनल टीवी पे, भाई तो तेरा फेमस हो गया यार। घर जाके तू देखी तो सही। ये देश के वही नौजवान हैं जिन पे हमारे कल को भरोसा है, पर इन्हें तो इसी काम से मतलब है कि किस कैंपेन में क्या भरोसा है। नाउ इट्स सीन टू। खाई जाओ। नहीं यार ची, इसे फेंको। चल पिज़ेरिया चलते हैं यार। आपकी बारी एक डालेगी। ठीक है चलो। ना मैं खाती शिमला मिर्च, ना मैं खाती लौकी, पर गंध फैलाने में नंबर वन मैं होती। नाउ इट्स सीन फोर। क्या मुसीबत है यार, एक तो रुमाल नहीं है ऊपर से पेट। हेलो कैसा है? अरे भाई ओ ये क्या फलूदा फैला रहा है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। और बता पेपर कैसा गया तेरा? भाई पेपर बहुत ही चिपचिपा था यार। चिपचिपा क्या होता है? और बता बाकी सब ठीक है? हाँ यार लेकिन पेपर, हाँ बस वही तेरा पुराने वाला पेपर आता नहीं, मैं कहता हूँ तो सिलेबस आया था। हाँ इसको फाड़ के फेंक रहा हूँ यार। अरे रुक जा, में निशाना लगाते हैं, इसका निशाना लगा वो किसा खिलाएगा। चल ठीक है, बच्चे को भी चांस दे देते हैं। अरे देख लेते बच्चा कौन है, अब देखिए भाई को। अब देखना भाई को इधर। भाई आ जल्दी देख, जल्दी कर। एक दो तीन। भाई बहुत जल्दी दे रहा है, जाना बहुत बढ़िया। जाता है कहाँ और देखता है किधर, ये इंडिया है मेरी जान, फूक फेंक चाहे इधर चाहे उधर। नाउ इट्स सीन फाइव। अरे यार ये पेट को भी खराब होना था यार। कौन है अंदर? दम मारो दम। अबे सिंगर के लाल आ जा बाहर। महबूबा महबूबा। अबे यार कितना वक्त लेगा? अच्छा अच्छा प्यार तेरा। कौन आ रहा है यार, इतना रोना ना हमने यार। लोग कर लो बात पब्लिक टॉयलेट्स की, शहर हो या ट्रेन, एक बार जो घुस गए तो निकालने में फेल है क्रेन। नाउ इट्स सीन सिक्स।
बाबा कितना कचरा फैलाते हैं ये बच्चा लोग, हर जगह कागज, हर जगह कपड़ा, लगता है कुछ पैसा हो तो पास बर्बाद करने का। और हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने को ना तो कपड़ा है, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं है और पढ़ने तक को किताबें नहीं है। पर मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, आप भी तो ऐसे ही कचरा फैलाते होंगे ना, क्यों फैलाते हो ना ऐसे ही कागज, कभी सोचा है अपने आसपास को साफ रखने के लिए? नहीं। पर मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली, मैं तो ठहरी एक मामूली सी कर्मचारी, अपना काम करूंगी और चलती बनूंगी। अरे अरे अरे, इतना सुंदर लाल कपड़ा है ये, इससे ना मैं अपनी मुन्नी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी, पर मैं इसे लूं या ना, इनके लिए तो ये कचरा ही है ना, ले ही लेती हूँ, मुन्नी बड़ी खुश हो जाएगी। के आज उनके नाम करती हूँ, जो सड़क नाले साफ करते हैं उनको सलाम करती हूँ। घिन आती है जिनसे जमाना, जिन्हें धिक्कारता है, सच्चा सैनिक वही है जो गंदगी को मारता है, जो गंदगी को। हम भारत के नागरिक, सदियों का पीछे इतिहास है, हमको अपनी सभ्यता पे पूरा ही विश्वास है। सदा को चाहे खोल दू, नदियों को चाहे मोल दू, चांद पर कदम रखा, मंगल की हमको आस है। हम भारत के हैं नागरिक, सदियों का पीछे इतिहास है। हम भारत के हैं नागरिक, सदियों का पीछे इतिहास है। देखा चांद की बातें और धरती के हालात, ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कब से चुप बैठा था मैं, लेकिन अब नहीं बैठा जाता। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज मैं बहुत बोलना चाहता हूँ। तुम लोग यहां से आते हो, वहां को जाते हो, इधर कचरा फैलाते हो, उधर कचरा फैलाते हो, मैं नहीं दिखता तुम्हें? तुम्हारे पास दो आंखें नहीं है क्या? भगवान ने आंखें दी, इस्तेमाल करो इनका, देखो मुझे। क्यों बैठा हूं मैं यहां पे? इस आस में बैठा रहता हूं कि तुम लोग आओगे, कचरा उठाओगे और डस्टबिन में डालोगे, लेकिन तुम्हें तो मैं दिखता ही नहीं। नहीं, अकेला नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं अकेला, हजारों भाई बहन मेरे जैसे बैठे होते हैं, लेकिन तुम तो उन्हें देखते भी नहीं हो। कचरा इधर उधर फेंकोगे लेकिन नहीं, डस्टबिन में नहीं डालना, हमारी शान में फर्क पड़ता है, हम तो बाहर डालेंगे, डस्टबिन में कैसे डाल दें हम? ये नहीं हो सकता हमसे, हम डस्टबिन में तो कभी डाल ही नहीं सकते। तू क्या बोला था, तू चांद पे जाओगे, मंगल को भेजोगे, अबे क्या कर लोगे चांद पे जाके? कचरा फैलाओगे, ये ऐसे कचरा ये ऐसे करोगे? पृथ्वी तो बड़ी साफ कर रखी है ना, चांद पे जाके क्या कर लोगे, मंगल पे क्या करोगे, खुले में बैठोगे क्या कर लोगे? लेकिन आज मैं कौन होता हूं आपसे पूछने वाला? मैं कुछ नहीं पूछना चाहूंगा आज आपसे, कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास आज आपके लिए, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं खुद एक प्रश्न चिन्ह बन चुका हूं। आज मैं खुद एक प्रश्न चिन्ह बन चुका हूं, खुद मैं एक प्रश्न चिन्ह बन चुका हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि शपथ के समय सभी खड़े हो जाएं। चलिए
आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। आज से हमारा एक ही ध्येय है, स्वच्छ तन स्वच्छ मन और स्वच्छता चहुं ओर। जय हिंद।